यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हम आज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपके नॉन नर्सिंग क्वेश्चन नहीं है, ओनली नर्सिंग नर्सिंग के क्वेश्चन हैं। और दूसरी चीज़ ये पेपर उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर इस पेपर को एंड तक आप लोग भी देखिए, क्योंकि इस पेपर में से 10 क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में UPSSC के थ्रू स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन पेपर से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। और आप लोग यदि UPSSC का पेपर नहीं देखा है तो वो भी चैनल पर अपडेटेड है, और जिन्होंने पेपर दिया था उनके पास उस पेपर की हार्ड कॉपी भी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक चीज़ ज़रूर मैच करना कि किन अलग अलग जगह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो यस बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि पेपर तो आप नर्सिंग का ही दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई और पेपर दे रहे हैं। इवन नर्सिंग के क्वेश्चंस में से जो लोग इवन फार्मा या लैब टेक्नीशियन का पेपर देते हैं उनको भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में बस चेंज कर दिया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट मैच करते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है आपका द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वेयर नर्स प्रायोरिटाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड इज आइडेंटिफाइड एज। तो ये आपको बताना है कि जो आपने एक हायरार्की नीड पढ़ी हुई है, थ्योरी पढ़ी है आपने इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखिए इसमें जो डिवाइड की जाती हैं चीज़ें, तो इस तरीके से थ्योरी आई होप आपको याद आ गई हो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं बेसिक तरीके से किस तरीके से इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के, तो थ्योरी किसने दी, सिगमंड फ्रॉयड ने, कुबलर रॉस ने, एरिक एरिक्सन ने या फिर अब्राहम मास्लो ने, इन चारों के नाम आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी है, क्या है सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी है, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दी है, कौन सी, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थ्योरी दी है, ना कि ये जो यहाँ पर हेयर की ह्यूमन नीड्स थ्योरी दी है। सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी पूछते हैं आपसे तो आपको क्या कहना है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, साइको सेक्सुअल थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉयड ने। एरिक एरिक्सन ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी दी है जिसमें स्टेजेस आती हैं फैलिक, एनल, ओरल। कुबलर रॉस की थ्योरी है ग्रीफ वाली, कौन सी, ग्रीफ वाली जो थ्योरी है वो दी है किसने, कुबलर रॉस ने। अब यहाँ पे जो हेयर की नीड्स थ्योरी है दी है किसने, अब्राहम मास्लो ने। यहाँ पे आपको याद रखना है जो हेयर की नीड्स ऑफ थ्योरी है किसने दी है, अब्राहम मास्लो ने। तो यहाँ पे आपको कुबलर रॉस की थ्योरी पूछे तो ग्रीफ की जो स्टेज है वो आएंगी, एरिक एरिक्सन की तो यहाँ पर इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, और यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी पूछते हैं तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आप, आपको इन चार क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरिब्रल स्टेटस इज, तो सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो मोस्ट रिलायबल इंडेक्स है वो कौन सा होगा, ऑप्शन में प्यूपलरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। मोस्ट रिलायबल इंडेक्स फॉर सेरिब्रल स्टेटस, सेरिब्रल स्टेटस आप सेरिब्रल स्टेटस किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपका सेरिब्रल स्टेटस चेक किया जाए किसके लिए, ब्रेन के लिए, कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है क्या है, ब्रेन की फंक्शनिंग है वो सब किस तरीके से सही तरीके से हो रही है या नहीं। तो मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या होगा सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए, तो वो होगा LOC, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। और इस सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए जो स्केल आप यूज़ करेंगे वो होगी ग्लासगो कॉमा स्केल, क्या है, GCS स्केल और ग्लासगो कॉमा स्केल इस सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ था कि जो सेरिब्रल हेमरेज है या फिर ब्रेन हेमरेज है इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, तो यहाँ पर इसका जो मेन रीज़न है UPSSC के एग्जाम में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे था एक हेड इंजरी और दूसरा था सेरिब्रल इन्फार्क्शन,
बहुत सारे लोग उस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे कि अलग अलग जगह से उनको आंसर अलग अलग मिला था, लेकिन जो ब्रेन हैमरेज है या फिर उसमें ब्रेन हैमरेज कह सकते हैं या फिर स्ट्रोक कह सकते हैं, उसका मेन रीज़न होता है सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे आपको याद रखना था, ऑप्शन में था हेड इंजरी भी हो सकता है या फिर सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन में है आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। जो चार विटामिन होते हैं, जो फोर विटामिन होते हैं वो होते हैं कौन से, वो फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है, विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, विटामिन के ब्लड कोगुलेशन के लिए ज़रूरी है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी स्टरिलिटी विटामिन भी कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे बचता है पानी में घुलनशील, तो वो विटामिन सी, कौन सा विटामिन सी। इनके केमिकल नाम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यू हैव अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 20% टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 5% सॉल्यूशन, हाउ मच डाइल्यूएंट विल बी नीडेड। तो आपके पास 20% स्टॉक सॉल्यूशन है जिसमें आपको 5% सॉल्यूशन 1 लीटर के थ्रू 5% सॉल्यूशन बस यूज़ करना है। कितना डाइल्यूएंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, 100 ml, 150 ml, 200 ml या फिर 250 ml, कितने डाइल्यूएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास 20% है, 1 लीटर प्रिपेयर करना है जिसमें से आपको ओनली 5% बस यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको 250 ml सॉल्यूशन की ही सॉरी 250 ml डाइल्यूएंट ही ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का, वो है हेपेरिन का एंटीडॉट। तो हेपेरिन का एंटीडॉट क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। एंटीडॉट टू हेपेरिन, हेपेरिन यदि ओवरडोज हो जाती है, यदि नॉर्मली भी हेपेरिन इंजेक्ट की जाती है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, तो यदि इन केस कभी कभी उसकी टॉक्सिसिटी अपने आप डेवलप होती है तो उसको असर को उसके कम करने के लिए जो यूज़ किया जाएगा वो होगा प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होगा, प्रोटामाइन सल्फेट। एट्रोपिन दी जाती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए, एग्जाम में अभी क्वेश्चन आया था, हेपेरिन भी आया था और एट्रोपिन भी आया था। और यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट, क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट। तो ये सभी एग्जाम में आपको आते हैं। कैल्शियम ग्लूकानेट का यूज़ किया जाता है जब यदि मरीज को हाइपोकैल्शीमिया हुआ हो या फिर हाइपरमैग्नीशीमिया हुआ हो। और यदि एंटीडॉट की बात करें हम, तो एक इसका एंटीडॉट है मैग्नीशियम सल्फेट का। यदि कैल्शियम ग्लूकानेट की बात करें तो MgSO4, आपने खूब पढ़ी है ड्रग, प्रेगनेंसी में जब एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, क्या, MgSO4। यदि MgSO4 ओवरडोज होती है तो कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि हेपेरिन का पूछते हैं प्रोटामाइन सल्फेट, प्रेगनेंसी में एक कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो यूज़ किया जा सकता है, तो वो ओनली हेपेरिन है। वारफरिन नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म पहुंचा सकता है और एक टेरेटोजेनिक ड्रग भी कहलाएगी। एट्रोपेन है तो एट्रोपेन ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एंटीडॉट के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर अ कॉमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस, यदि मरीज कोमा में है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा आपका, यदि मरीज क्या है कोमा में है। तो यहाँ पर जो एज एन ऑप्शन है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे क्लियरेंस। इसके लिए आप क्या करेंगे, ओरल केयर उसकी प्रॉपर करेंगे एयरवे को क्लियर रखने के लिए, ताकि जो भी म्यूकस वगैरह है उसके कारण चोकिंग की कंडीशन ना हो पाए। तो यहाँ पे आपको यदि पूछा गया है कि कॉमाटोस पेशेंट में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्लियर है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यदि मरीज अनकॉन्सियस है तब आप उसकी ओरल केयर कैसे देंगे, सेमी फॉलोअर पोजीशन के सॉरी साइड लाइंग पोजीशन के थ्रू, किसके थ्रू, साइड लाइंग पोजीशन के थ्रू। अब यहाँ पे यदि मरीज होश में है, कॉन्सियस है, मरीज कॉन्सियस है, तब आप ओरल केयर कैसे देंगे, हाई फॉलोअर्स पोजीशन के थ्रू,
लेकिन मरीज यदि बेहोश है तो साइड लाइंग पोजिशन के थ्रू। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट विथ डीकॉर्टिकेट पोस्टरिंग द नर्स ऑब्जर्व, तो यहाँ पर पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि डीकॉर्टिकेट पोस्टरिंग, तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ नीज एंड प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट, या फिर फ्लेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज या फिर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो एंड नी एंड फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डीकॉर्टिकेट, यदि मरीज डीकॉर्टिकेट पोस्चर में है या पोजीशन में है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो डीकॉर्टिकेट पोस्चर का मतलब होता है एबनॉर्मल पोस्चरिंग इन विच अ पर्सन इज स्टिफ विथ बेंट आर्म्स, मतलब स्टिफनेस के साथ साथ उसके हाथ है वो ऐसे जोड़ के अपने चेस्ट के यहाँ पे क्या कर जाए, बेंट कर जाए। क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब जो आपकी फिस्ट है जैसे कहेंगे मुट्ठी बांधना वो कर जाए और लेग बिल्कुल स्ट्रेट रह जाए। आप यहाँ पे आपने ऐसे मरीज देखे होंगे। डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग का मतलब है स्ट्रेट लेटे हुए हैं या खड़े हुए, स्ट्रेट रहने के साथ साथ, और जनरली जब ब्रेन इंजरी होती है तब मरीज इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पर यदि मरीज डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में है तो उसको यदि डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग से नॉर्मल में लाना है आपको, तो आप उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर मरीज अपनी फिस्ट है, क्या है, मरीज अपनी फिस्ट है बहुत हार्ड तरीके से टाइट करके अपने चेस्ट के यहाँ पर रख लेगा, और यहाँ पर आपको एल्बो फ्लेक्स रहेंगे, एल्बो फ्लेक्स रहेंगे, नी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, क्या होगा, ए, ए देखने को मिलता है डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग की कंडीशन जनरली हेड इंजरी वाले मरीज में, जिसमें मरीज है जो अपने हाथ दोनों बांध के क्या करेगा, दोनों हाथ की जो मुट्ठी है जिसको आप क्लिंच फिस्ट कह सकते हैं बांध के अपने चेस्ट के यहाँ पे रख लेगा, जो लेग हैं पूरे तरीके से फ्लेक्स रहेंगे, एल्बो फ्लेक्स रहेंगी, तो ये सब देखने में किस में मिलेंगी, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन, ए क्वेश्चन यूपीएसएससी के पेपर में अभी आया हुआ था, सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है, 0 to 5 centimeter, 5 to 10 centimeter, 10 to 15 centimeter, 15 to 20 centimeter, यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है जो नॉर्मल कितना होता है, जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है। तो यदि हम बात करें नॉर्मल रेंज H2O में बात करें तो 0 to 8 होती है, कितनी, 0 to 8 होगी, 0 to 8 centimeter H2O, यदि जो H2O में बात करें तो हम कितनी होगी, 0 to 8 centimeter H2O। अब यहाँ पर ऑप्शन में है आपके तो क्या होगी, वो होगी 5 to 10 centimeter, क्यों, क्योंकि यदि इससे आप ज़्यादा बताते हैं तो आपका हाई CVP में जाएगा, 10 के ऊपर जा रहा है, और यदि 5 से कम बताते हैं तो लो में जाएगा। तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल होती है 0 to 8 होती है, तो यहाँ पर जो एज एन ऑप्शन है वो क्या होगी, 5 to 10। अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्सपीरियंस डिस्निया ड्यू टू, यदि कार्डियक फेलियर का मरीज है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, डिस्निया का मतलब होगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, तो यहाँ पे मरीज के लिए है जो क्या, किसके कारण ये डिस्निया हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द इंटेस्टियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड स्पाज्म के कारण, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण, या फिर पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली का मतलब होता है कि जो हार्ट की साइज है उसका बढ़ना। तो यहाँ पर जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लूड एक्यूमुलेट हो गया है, जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं उस जगह पर इंटरस्टियल स्पेस पर फ्लूड एक्यूमुलेट होने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम वाली कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द इंटरस्टियल स्पेस एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट ऑन एंटी कोगुलेटिव थेरेपी इज स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर, यदि मरीज को एंटी कोगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, हेपेरिन दिया जा रहा है या वारफिन दिया जा रहा है, तो आप उसके लिए किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे,
नौजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया या फिर हेमेच्यूरिया। तो यहाँ पे आपको हेपेरिन टॉक्सिसिटी के साइन भी पूछे जा सकते हैं यदि मरीज को लेकिन एंटीकोगुलेशन थेरेपी दी जा रही है। तो यहाँ पे मरीज को ऑब्जर्व किया जाएगा किसके लिए, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है वो होगा यहाँ पर हेमेच्यूरिया। हेमेच्यूरिया का मतलब क्या है, ब्लड आना, यूरिन में ब्लड का आना, वो क्या है हेमेच्यूरिया। इंसोम्निया का मतलब है कि सोने में प्रॉब्लम होना है, नींद ना आना। तो यहाँ पर यदि एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जा रही तो स्पेसिफिकली आप मॉनिटर करेंगे किसके लिए, हेमेच्यूरिया के लिए। नेक्स्ट वन, द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है न्यूबॉर्न बेबी में तो ये किसके कारण हो सकती है, ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला के कारण, हिरस्प्रिंग्स डिसीज के कारण, कंजनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण या फिर कंजनाइटल हार्ट डिसीज के कारण। यदि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात की जा रही है तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का एक ही रीजन होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। हिरस्प्रिंग्स डिसीज की बात करते हैं हम तो क्या होता है इसमें कि बच्चा 48 घंटे से, न्यूबॉर्न बेबी 48 आवर से है जो उसने अपना मेकोनियम पास नहीं किया, फर्स्ट स्टूल पास नहीं किया है, क्योंकि कंजनाइटल मेगाकोलन जो वहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल्स हैं उनकी एब्सेंट होने के कारण, तब आप क्या कहते हैं, हिरस्प्रिंग्स। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात की जा रही है तो क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टूला में क्या होगा कि जो कुछ भी खा रहा है वो बाहर की तरफ आएगा, क्या होगा, तुरंत बाहर की तरफ आएगा, अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, वो होगा ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टूला। यदि कंजनाइटल हार्ट डिसीज की बात करें तो इसमें डिजनिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लू टाइप से हाथ पैर देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसका हिस्सा नहीं होगा। क्लियर। यदि हिरस्प्रिंग्स डिसीज पूछे तो गैंग्लियोनिक सेल्स का एब्सेंट होना, और इसमें बच्चा न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुए 48 से 72 घंटे हो जाए तब तक भी वो फर्स्ट अपना जो स्टूल पास ना करे जिसको मेकोनियम कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजनाइटल मेगाकोलन। नेक्स्ट वन, अ पर्सन विथ डायबिटिक मलाइटिस इज आस्किंग यू द कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम 1 टी स्पून ऑफ सुगर, योर आंसर वुड बी, एक चम्मच शक्कर से, एक चम्मच सुगर से कितनी कैलोरी मिलेगी। यदि डायबिटीज मलाइटिस वाला मरीज है तो यहाँ पे वो कहता है कि 1 टी स्पून ऑफ सुगर इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरीज, 5, 15, 20 या फिर 60। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 टी स्पून सुगर में कितनी कैलोरीज होगी। तो यहाँ पर होगी आपकी, कैलोरीज की बात की जा रही है, तो 1 टीस्पून में क्या है, 1 टीस्पून में जनरली 4 to 5 ग्राम कैलोरीज तक, सॉरी 1 टीस्पून में कितना होगा, 5 to 1 टीस्पून में है जो कितना होता है, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कितना होता है, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कैलोरी की बात करें तो कितनी होगी, 20 कैलोरीज, कितना, 20 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, यहाँ पे 1 टीस्पून में यदि कार्बोहाइड्रेट पूछें तो कितना होगा, 5 ग्राम, लेकिन कैलोरीज पूछी है कितनी होगी, 20 ग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटो, ग्रीन ग्राम एंड दाल या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, गाजर, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, येलो फ्रूट्स, ऑरेंज फ्रूट्स, तो ये सब किसके लिए है, ये विटामिन ए के लिए, किसके लिए, विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है जो जनरली विटामिन में हम बात करें तो जिन भी पर्सन में, या फिर हमें कह सकते हैं कि विटामिन ये कैल्शियम का सबसे बेटर सोर्स माने जाएंगे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर वॉज 350 ml, द नर्स हैज ऑब्टेंड द ऑब्जर्वेशन इज। तो 24 घंटे में यदि कोई पर्सन 350 ml यूरिन बस पास करता है तो उसको क्या हो सकता है, एन्यूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एन यूरिया में तो 100 ml और सॉरी पास ही नहीं करेगा यूरिन, पॉलीयूरिया में है जो बहुत ज़्यादा पास करेगा यूरिन, डिसयूरिया में पेनफुल यूरिनेशन होगा,
ओलिगो में होता है जनरली 500 ml से भी कम, कितना 500 ml से भी कम। और यहाँ पे वही कहा गया है कि यदि मरीज 24 घंटे में 300 ml से भी कम यूरिन आउटपुट देता है, पास करता है यूरिन, तो क्या होगा, ओलिगो यूरिया। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल विदाउट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे एक टर्म पूछा गया है आपने जो कैंसर और ऑन्कोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ा है उसमें आपने कई बार पढ़ा है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें सेल की साइज तो बढ़ेगी, क्या है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल बट विदाउट इंक्रीज इन द सेल नंबर, सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन सेल की साइज बढ़ेगी। तो एक इसमें देखने को मिलेगा हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिसप्लासिया, फिर एट्रोफी। एट्रोफी में तो सेल्स क्या होंगी, श्रिंक होंगी, सिकुड़ेंगी, क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया में सेल की साइज के साथ साथ सेल के नंबर भी बढ़ेंगे, क्या है, सेल की साइज के साथ साथ नंबरिंग भी बढ़ेगी, दो दो से चार, चार से छः देखने को मिलेगा, वो होता है मेटास्टेटिक कैंसर में। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या है, सेल की साइज बढ़ रही लेकिन सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या है, हाइपरट्रॉफी, क्या है, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन, व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज, जब मरीज ओनली अपराइट पोजीशन में बस सांस ले पाए तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, टैकेपनिया या फिर एपनिया। तो यहाँ पर टैकेपनिया, एपनिया और ऑर्थोपनिया ये सभी सांस से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स ही हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में बात करते हैं एपनिया। एपनिया मतलब है कि सांसों का रुक ही जाना, क्या है, सांसों का रुक जाना, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। टैकेपनिया, टैकेपनिया का मतलब होता है रैपिड ब्रीदिंग, मतलब 20 से भी ज़्यादा आपकी रेस्पिरेटरी रेट जाना, डिस्निया में सांस लेने में दिक्कत होना। अब यहाँ पे कहा है कि ओनली एक ही कंडीशन है जिसमें मरीज क्या है, सांस ले सकता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो है अपराइट पोजीशन, मतलब खड़े खड़े वह सांस ले सकता है, तो वो यहाँ पे कौन सी होगी, ऑर्थोपनिया, क्या होगी, ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट विथ हाइपोवेंटिलेशन इज प्रोन टू डेवलप, हाइपोवेंटिलेशन वाला मरीज है तो क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्या डेवलप होने के रिस्क रहेगी, तो वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमेनेक्टोमी विल बी पोजिशन ऑन, यदि मरीज की न्यूमेनेक्टोमी हुई है, सर्जरी हुई है, न्यूमेनेक्टोमी सर्जरी, तो यहाँ पर उसको कौन सी पोजीशन में आप रखेंगे, सुपाइन पोजीशन ओनली, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। न्यूमेनेक्टोमी वाले मरीज को कौन सी पोजीशन में आप रखेंगे, न्यूमेनेक्टोमी का मतलब है कि एक लंग्स को रिमूव कर देना, क्या है, एक लंग्स को रिमूव कर देना है, क्या है, न्यूमेनेक्टोमी। अब यहाँ पर न्यूमेनेक्टोमी सर्जरी में एक साइड का मान लीजिए लंग्स रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर मरीज को कैसे रखेंगे, ऑपरेटेड साइड और बैक, क्या है, ऑपरेटेड साइड और बैक। नेक्स्ट वन, व्हेन पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज, हाइपर एपनिया मतलब बहुत फास्ट तरीके से जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन साथ में बीच बीच में स्टॉप भी हो रही है, आप जो ब्रीदिंग है आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशन है क्या हो रही है, बीच बीच में एब्सेंट भी हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपर एपनिया का मतलब है कि ब्रीदिंग मोर डीपली बट नॉट नेसेसरली फास्टर, तेज नहीं है लेकिन बहुत डीपली सांस ले पा रहे हैं लेकिन बीच में वो सांस रुक भी रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कुस्माल रेस्पिरेशन, काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ब्लड एपनिया या फिर टैकेपनिया। टैकेपनिया में जो रेस्पिरेटरी रेट है हाई जाएगी, फास्ट ब्रीदिंग होगी, ब्लड एपनिया में बहुत ज़्यादा स्लो होगी, अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, जिसमें जो डीपली मतलब बहुत गहरी सांसें ले रहे हैं लेकिन एक टाइम पे आके स्टॉप भी हो जाती है, दोबारा से जो पैटर्न नॉर्मल होगा तो ये क्या कहलाएगा, चाइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, क्या होगा, काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट हु इज सेंट होम विथ एन इलियोस्टोमी
रिक्वायर डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद इलियोस्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है वहाँ पे रिमूव किया जाएगा। तो मरीज को कौन सी डाइट है जो देने के लिए कहा जाएगा? फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, B12। कौन सी डाइट लेने के लिए कहा जाएगा? तो वो कि पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम डाइट। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी वेजाइनेंटली ऑब्जर्व फॉर विजिलेंटली, का मतलब बहुत ज़्यादा आपको किस चीज़ को मॉनिटर करना है यदि लिवर बायोप्सी की गई है तो? हेमरेज, डिस्निया, वॉमिटिंग या फिर पेन, किस चीज़ के लिए आप मरीज को ऑब्जर्व करेंगे? तो होगा ब्लीडिंग और हेमरेज। किसके लिए? ब्लीडिंग और हेमरेज के लिए। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर यूजिंग नॉर्मल सलाइन टू स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, तो रेशनल क्या होगा यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो क्या यहाँ पर रेशनल निकल के आएगा आपका? नॉर्मल सलाइन इज कॉमनली यूज इन प्राइमरी आई वी सोल्यूशन, इट इज कॉम्पेटिबल विद ब्लड, नॉर्मल सलाइन प्रिवेंट्स हीमोलाइसिस, एपिडेक्सट्रोस डीएक्टिवेट ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले NS दिया जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि हीमोलाइसिस से प्रिवेंट कर सकता है। क्या है? नॉर्मल सलाइन है जो हीमोलाइसिस से प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन द नर्सिंग फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी, यदि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आपका इंटरवेंशन क्या होगा? नोटिफाई द फिजिशियन, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, स्लो डाउन द ट्रांसफ्यूजन या फिर एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम मरीज को अचानक से ठंड लगने लगे, सिर दुखने लगे या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। क्या है? ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना। देन आफ्टर आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उस टाइम पर आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। नेक्स्ट वन, द प्रायोरिटी नर्सिंग असिस्टमेंट इन एन इमीडिएट पोस्ट एनेस्थीसिया क्लाइंट इज टू, यदि मरीज की सर्जरी के बाद आप उसमें पोस्ट एनेस्थीसिया मतलब आफ्टर एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के बाद है जो आपका असिस्मेंट क्या होगा? मॉनिटर द वाइटल साइन, चेक गैग रिफ्लेक्स, असिस्ट पेन या फिर असिस्ट एयरवे पेटेंसी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या? एयरवे पेटेंसी चेक करना। किसी भी तरीके के प्रायोरिटी वाइज्ड आपको क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको यदि हेमरेज और एयरवे दो में से चूज करना हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होनी चाहिए। कौन सी? एयरवे। दूसरी आपकी ब्लीडिंग और हेमरेज को प्रिवेंट करना। एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, ऑप्शन भी ये दोनों दिए जाते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो, लेकिन यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एयरवे होना चाहिए। नेक्स्ट पर, एल्कलेटिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट एक्ट्स बाय, तो एल्कलेटिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट हैं जो कि कैंसर ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? डैमेजिंग DNA इन द सेल न्यूक्लियस, डिस्ट्रॉइंग मैसेंजर RNA, क्रिएटिंग अ हार्मोनल इम्बेलेंस, इंटरप्टिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म, किस तरीके से काम करेंगे? तो ये जो एजेंट हैं क्या करेंगे? जो DNA इन द सेल न्यूक्लियस, जो DNA है सेल न्यूक्लियस में, उसको डैमेज करने का काम करेंगे। एल्कलाइटिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट, यहाँ पे जैसे पेन रिलीवर होती है वैसे ही, जैसे हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की ड्रग यूज़ की जाती हैं। तो जो एल्कलेटिंग कीमोथेरापेटिक एजेंट हैं इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो वो डैमेजिंग DNA इन द सेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर होगा कार्डियोजेनिक शॉक के लिए वो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन या फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो कार्डियोजेनिक शॉक के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी वो होगी कार्डियक आउटपुट। क्या होगी? कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन दैट नर्स वुड ऑब्जर्व इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के मरीज में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? हाइपरटेंशन, टैकेपनिया, ओलिगोयूरिया या फिर साइनोसिस। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब क्या है? फ्लूड की डेफिशिएंसी हो रही हो, डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोयूरिया। फिर है
नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड तो यहाँ पर वो एक ही है 7.35 टू 7.45। नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, कितनी होती है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है नॉर्मल सीरम पोटेशियम, ये भी अभी एग्जाम में आया है, जो यूपीएसएससी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। आई थिंक उसमें सोडियम की वैल्यू पूछी थी 135 से लेके, लेकिन यहाँ पर सीरम पोटेशियम ऑप्शन में थे, लेकिन ऑप्शन में थे क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिनिन की वैल्यू दी गई थी पोटेशियम की और सोडियम की। नॉर्मल सीरम पोटेशियम वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 3.5 टू 5.3 MEQ पर लीटर। यदि इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम, कम है तो प्रॉब्लम। फिर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू, तो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 0.5 टू 1.5 mg पर dl। कितना, 0.5 टू 1.5 mg पर dl। नेक्स्ट है नॉर्मल GFR इन द मेल, मेल में GFR कितनी होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक मिनट में आपकी किडनी कितनी यूरिन फिल्टर करती है वो कहलाता है GFR। अब यहाँ पर जो नॉर्मल GFR होती है वो होती है 125 ml पर मिनट। कितना, 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन, नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू क्या है, क्या है, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन दो प्रोटीन है। अब इसमें यहाँ पर एल्ब्यूमिन की वैल्यू क्या होगी नॉर्मल, तो वो होती है 3.5 टू 5 mg पर 100 ml। यहाँ पर मैंने इन चारों क्वेश्चन में ऑप्शन आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 3.5 टू 5 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है अ वेजाइनल एग्जामिनेशन इज इंडिकेटेड वेट मेम्ब्रेन रप्चर स्पॉन्टेनियसली इन अ प्रेग्नेंट वुमन विथ पॉलीहाइड्रोमनियोस टू। तो यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते टाइम आप देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर हो गई है, क्या है, रप्चर हो गई है और पॉलीहाइड्रोमनियोस भी है, मतलब जो AFI इंडेक्स है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर जो एमनियोटिक फ्लूड है कितना 2000 ml से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप है जो किस चीज़ को असेस करेंगे, असेस फीटल मैच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर, रूल आउट कॉर्ड प्रोलैप्स, एप्रोच द पोजीशन ऑफ द फीटस। ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, यदि पॉलीहाइड्रोमनियोस का केस है, एमनियोटिक फ्लूड बहुत ज़्यादा है, मतलब 2000 ml से भी ज़्यादा है एमनियोटिक फ्लूड, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कॉर्ड प्रोलैप्स को चेक करना, क्योंकि जब फ्लूड ज़्यादा होगा तो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, रूल आउट ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज, एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज है तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, रिटेंड प्रोडक्ट्स, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, या फिर जॉइंटेस। एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि जो यूट्रस है उसकी जो मसल्स है उसमें टोन का गायब होना, मसल टोन रहेगी उसके कारण अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और पीपीएच को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अटोनोसिटी की कंडीशन में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। और इसका जो मेन रीज़न हो सकता है वो होगा रिटेंड प्रोडक्ट्स, मतलब प्लेसेंटा के कुछ पार्ट्स अंदर ही रह जाना यूट्रस में, वो भी रीज़न हो सकता है जो पोस्टपार्टम हेमरेज का। तो यहाँ पर मेन कॉज क्या है अटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का, वो है रिटेंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेसेंटा हो सकते हैं, कुछ सेल्स हो सकती हैं, कुछ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रिटेंड प्रोडक्ट्स। जो पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन होता है अटोनोसिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन मसल्स उनकी टोन का गायब होना, क्लियर। अब उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रिटेंड प्रोडक्ट, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाना। अब वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में तो है नहीं कि फीटस रह जाएगा, वहाँ पे प्लेसेंटा के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट्स, कुछ मेम्ब्रेन्स या फिर ये सब आइटम बस वहाँ पे रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न बेबी, तो न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल रेस्पिरेट कितनी होगी, मोर देन 20 पर मिनट, 20 टू 40, 40 टू 60, या फिर मोर देन 60, कितनी होगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो होती है 40 से 60, कितना, 40 से 60, न्यूबॉर्न बेबी में बात की जा रही है। पल्स रेट पूछें
वो होती है कितना, 140 to 160 तक। कभी कभी ऑप्शन में आपको 120 to 140 भी दिया जाता है, लेकिन 140 से कम आती है तब प्रॉब्लम होगी। तो न्यूबॉर्न बेबी में यदि हम बात करें किसकी रेस्पिरेटरी रेट की, तो होगी 40 से 60 पर मिनट। नेक्स्ट वन, मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट। तो इन्फेंट में आप पल्स रेट कहाँ पे चेक करेंगे, कैरोटिड आर्टरी, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एपेक्स ऑफ द हार्ट, कहाँ पे चेक करेंगे इन्फेंट में, तो होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। एडल्ट में बात करें तो कैरोटिड नेक के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, इन्फेंट की, तो वो होगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट एपिकल पल्स यहाँ पे आप उसकी चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, अ स्टाफ नर्स हु वॉज कॉल्ड बाय द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर अ फीडबैक ऑन पुअर परफॉर्मेंस स्पेंड द रिमेनिंग टाइम ऑफ द शिफ्ट ब्लेमिंग द सुपरवाइजर एंड कलीग्स द मेंटल मैकेनिज्म यूज बाय हरिज। ये क्वेश्चन अभी UPSSC के पेपर में आया हुआ था कि दूसरों पर ब्लेम डालना कौन सी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन या फिर कंपनसेशन। यदि किसी नर्स के लिए जो ड्यूटी पर है कोई भी नर्स, तो वहाँ पे उसको कहा, उसकी सुपरिटेंडेंट कहती है कि आपका जो काम है आपने अच्छे से नहीं किया है, ना ही आप शिफ्ट में रहते हैं, तो वो जो यहाँ पे स्टाफ नर्स है वो ब्लेम करती है सुपरवाइज़र पर, कलीग्स पर। तो ये सब किस तरीके की मैकेनिज्म में आएंगे, या आएंगे प्रोजेक्शन में, किस में, प्रोजेक्शन में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ मूड स्टेबलाइजर। तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग कौन सी, लिब्रियम, लिथियम कार्बोनेट, टॉफ्रानिल या फिर हेलोपेरिडॉल, कौन सी ड्रग है यहाँ पर मूड स्टेबलाइजर ड्रग। तो ये लिथियम कार्बोनेट है, किसमें दी जाती है, मैनिया के मरीज को ट्रीट करने में, किसमें, मैनिया के मरीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, इन द ECG रिकॉर्डिंग ऑफ अ क्लाइंट द नर्स ऑब्जर्व टॉल पीक्ड टी वेव्स, फ्लैट पी वेव्स, वाइडेंस QRS कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, द नर्स आइडेंटिफाइज। यहाँ पे क्या कहा है, टी वेव बड़ी हुई है, पी फ्लैट है, QRS कॉम्प्लेक्स का जो बीच का गैप है वो क्या है, ज़्यादा है, और PR इंटरवल भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया, क्या कहलाए गए, कहलाएगा हाइपरकैलेमिया, क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। ECG की एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर आपको ऑलरेडी एक क्लास है जो चैनल पर अपडेटेड है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कीजिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द फिजिशियन इज प्रिस्क्राइब 20 EQ ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू अ क्लाइंट, द अवेलेबल KCl इज 10 EQ per ml, द नर्स विल एडमिनिस्टर। पहली चीज, पोटेशियम को डायरेक्ट IV फॉर्म में नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट IV बोलस के फॉर्म में इसको नहीं देते हैं आप। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना आप देंगे, तो यहाँ पे आप देंगे 10 ml, कितना, 10 ml। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर फॉलोइंग हेड इंजरी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बताएगी कि ICP बढ़ा हुआ है, यदि सिर में चोट लगी है, इंजरी हुई है, किस कंडीशन से पता चलेगा कि ICP बढ़ा है। ऑप्शन में है यहाँ पर, रेस्टलेसनेस, डिक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज BP या फिर वाइडेंट पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर जो ICP बढ़े हुए का जो साइन होगा वो क्या होगी, रेस्टलेसनेस, क्या होगा, रेस्टलेसनेस। ICP बढ़ता है तो बल्जिंग फाउंटेनल बच्चों में देखने को मिलेंगे, बड़ों में हम बात करें तो रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, लिथार्जिक में जो पर्सन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ICP का जो साइन है यहाँ पर वो क्या होगा, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अब हार्ट से रिलेट करता हुआ जो कार्डियोजेनिक शॉक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, फ्लूड ओवरलोड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या फिर हाइपोवोलेमिया, क्या हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक का जो मेन कॉमन कॉज होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में क्या ड्रग है जो आप देंगे, इंड्रेरल, डिगोक्सिन, सॉर्बिट्रेट या फिर लिडोकेन, कौन सी ड्रग देंगे वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में। तो वेंट्रिकुलर अर्थमिया वाले मरीज में क्या देंगे आप, लिडोकेन, कौन सी ड्रग देंगे,
लिडोकेन। यदि हम बात करें डिगोक्सिन की, तो डिगोक्सिन क्या है, डिजिटलिस ड्रग है, इसका भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो लिगोकेन है, जनरली जाइलोकेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से एनेस्थेटिक फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, साइनोटिक स्पेल्स इज अ फीचर ऑफ, साइनोटिक स्पेल किसका फीचर है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए या फिर एएसडी, एट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। साइनोटिक स्पेल बच्चों में देखने को तो ये बहुत कॉमनली मिलता है, जिसमें जनरली 2 साल तक के बच्चे हैं क्या करते हैं, रोते टाइम उनके वो क्या करेंगे, सांस जो एक तरीके से रुका लेंगे, जिसमें ब्लूइश टाइप का बेबी के जो लिप्स हैं ब्लू टाइप के हो जाएंगे, स्किन भी ब्लू टाइप से होगी। इसमें या तो वो सांस बहुत गहरी ले लेंगे, बहुत फास्ट, जनरली गहरी ले लेते हैं। ये कॉमन तो होता है 2 साल तक के बच्चों में, जब बच्चे स्पेशली चिढ़ जाएं या फिर रोना स्टार्ट करें तो उनमें साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। लेकिन यदि बच्चों में कंडीशन बार बार रिपीट होकर देखने को मिलती है, तो फिर किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या होगा, जिसमें साइनोटिक स्पेल देखने को मिलेगा होगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें बूट सेफ्ड हर्ट देखने को मिलेगा। 4 डिसीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट वन, एन इन्फेंट एक्सपीरियंसिंग हाइपर साइनोटिक स्पेल्स इज प्लेस्ड इन, हाइपर साइनोटिक स्पेल्स का मतलब है वही मैंने जो बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ ले लें और उनकी उस डीप ब्रीथ के कारण ओंठों का स्किन का कलर ब्लू टाइप का होने लगता है। तो ये कौन सी पोजीशन फिर आप बच्चे को देंगे, हाई फॉलोअर, नी चेस्ट, प्रोन या फिर सुपाइन, कौन सी पोजीशन देंगे आप बच्चे को, नी चेस्ट पोजीशन, कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट वन, व्हेन अ हीमोफ्लेक कैरियर फीमेल मैरिज अ नॉर्मल मेल, चांस ऑफ देयर डॉटर बिकम ऑफ अ कैरियर इज, यदि हीमोफ्लेक कैरियर है, माँ क्या है, हीमोफ्लेक कैरियर है, यदि उसने नॉर्मल मेल से शादी की, तो जो होने वाली अपकमिंग डॉटर है उसमें क्या कितने परसेंट चांस होंगे, 100%, 75%, 50% या फिर 25%, कितने प्रतिशत चांस होंगे उसके बच्चे में हीमोफ्लेक कैरियर आने के, तो वो होंगे यहाँ पे उसको कितना, 50% तक। नेक्स्ट वन, अ नर्स ऑब्जर्व कॉप्लिक स्पॉट्स ऑन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ फीवर, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ, क्वेश्चन सीधा सा है, कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, ओरल एग्जामिनेशन करते टाइम फीवर भी है, तो ये किसके हैं, मीजल्स, डिप्थीरिया, डेंगू या फिर वूफिंग कप, ये सभी जो कॉप्लिक स्पॉट साइन किसके हैं, मीजल्स के, मीजल्स में फीवर भी आता है, और जो कॉप्लिक स्पॉट देखने को कहाँ पर मिलते हैं, ओरल कैविटी में। नेक्स्ट, सेंसस इज टेकन वंस इन एवरी, तो सेंस जनगणना है जो हर 10 साल में की जाती है, लेकिन 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुई है, SRS डेटा के थ्रू ही काम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट वन, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट आयरन रिच फूड टू बी कंज्यूम टू करेक्ट एनीमिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज टू बी सप्लीमेंटेड टू इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आप किसी क्लाइंट को आयरन रिच फूड लेने के लिए कहते हैं जिससे उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा, तो आप उसको कौन सा विटामिन लेने के लिए भी कहेंगे, ताकि जो आयरन आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, विटामिन सी, डी, B6 या फिर फॉलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको विटामिन सी की जगह खट्टे फल जूस भी दे सकते थे, क्योंकि जब भी आयरन की टैबलेट या आयरन रिच डाइट लेने के लिए कहा जाता है, साथ में कहा जाता है कि आप खट्टे फल भी लें, जिसके कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन है जो क्या होगा, कंपेरेटिवली नॉर्मल के ज़्यादा होगा, नॉर्मल आयरन ले रहे हैं, उसके साथ यदि आप खट्टे फल या खट्टे जूस लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल के ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, इन विच, और यदि दूध के साथ लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये भी याद रखना है आपको, दूध दही वाले प्रोडक्ट के साथ में कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल द लीडर वैल्यूज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ ईच सबऑर्डिनेट, कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें हर एक जो कोऑर्डिनेट करेगा, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर या फिर ब्यूरोक्रेटिक, कौन सी लीडरशिप स्टाइल में होगा, तो होगा डेमोक्रेटिक में, किसमें, डेमोक्रेटिक में। नेक्स्ट वन,
पेसमेकर ऑफ द हार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी अभी आया हुआ था, तो ये ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड। नेक्स्ट वन, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट एंड लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सप्लाइड बाय, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूछी है कि जो लेफ्ट एट्रियम है लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस है लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो वहाँ पे कौन ब्लड की सप्लाई करेगा, तो होगा सरकमफेरेंस आर्टरी, कौन सी, सरकमफेरेंस आर्टरी। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आंसर लगा देंगे कोरोनरी आर्टरी पे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कौन सी होगी, सरकमफेरेंस आर्टरी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम और लेटरल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई करेगा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस आर्टरी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, यहाँ पर पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक कौन सी डायुरेटिक, सभी स्पाइरोनोलैक्टोन है, मेरिडोल है, फ्लूसेमाइड है, क्लोरोथियाजाइड भी है, तो एग्जाम में यदि आपको आता है कि आईसीपी बड़ा है तब देनी है, तो ऑस्मोटिक पूछते हैं, तो ऑस्मोटिक में क्या होगी, यहाँ पे ऑस्मोटिक डायुरेटिक होगी क्या, मैनिटॉल, लेकिन पोटेशियम स्पेरिंग लूप डायुरेटिक पूछें तो फ्रोसेमाइड, लेकिन पोटेशियम स्पेरिंग पूछिए तो वो क्या होगी, स्पायरेनोलैक्टोन, क्या है, स्पायरेनोलैक्टोन। टैबलेट डिगोक्सिन इज विथहेल्ड इफ द पल्स रेट इज लेस देन, तो डिगोक्सिन और डिजिटलिस एजेंट कब नहीं देना है, जब पल्स रेट बिलो 60 चली जाए, कितना, 60 पर मिनट से कम हो जाए, 60 पल्स रेट जो पर मिनट से कम हो जाती है तब आपको डिगोक्सिन नहीं देना है। यदि ऐसे केस में भी डिगोक्सिन दे दी तो मरीज सीधा टाटा वाई वाई करके भगवान के पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन, अ नर्स हु ऑब्जर्व एब्सेंस ऑफ अ पी वेव्स एंड डीफिब्रिलेटिंग वेव्स बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन द कार्डियक मॉनिटर विल इंटरप्ट द क्लाइंट्स कार्डियक रिदम एज, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप कि यदि पी वेव्स क्या है, एब्सेंस है, जब फिब्रिलेटिंग वेव्स आते हैं जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हर एक के पहले, तो यहाँ पर आप जो कार्डियक रिदम है किस तरीके की होंगी, साइनस टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, तो होगा यहाँ पर क्या, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी के लिए मेन रिस्क क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फ्लेबाइटिस या ब्लीडिंग, डीबीटी का मेन साइन होता है क्या, होमन्स साइन, यहाँ पर जो रीजन होगा वो क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अवॉइडेड बाय द नर्स व्हाइल केयरिंग अ क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्या है जो आपको अवॉइड करना है जब आप डीबीटी वाले मरीज की केयर कर रहे हैं तब, प्रोवाइडिंग बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, मसाजिंग द एक्सट्रीमिटी, एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक्स, क्या है जो यहाँ पे आपको अवॉइड करना होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ आप अवॉइड करेंगे वो होंगी मसाजिंग द एक्सट्रीमिटीज, यदि आप डीबीटी वाले मरीज की केयर कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड, क्या नहीं करना है, तो होगा एक्सट्रीमिटीज़ की मसाज करना, हाथ पैर हिलाने के लिए बोलना है ताकि डीबीटी को मैनेज किया जा सके, बेड रेस्ट के लिए भी कहना है, जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ है उसको ऊपर की तरफ रख के कहना है, और पेन तो होगा ही होगा तो एनाल्जेसिक्स आप एडमिनिस्टर कर सकते, लेकिन अवॉइड करना है वो होगा मसाज करना। नेक्स्ट है CSF की वैल्यू पूछी है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF कितना होगा, नॉर्मल CSF ऑप्शन में है 25 से 50, 50 से 100, 125 से 150 ml या फिर 150 से 200 ml, कितना होता है नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, तो ये होता है 125 से 150 ml। इस क्वेश्चन पेपर में आपने 6 से 7 चीज़ों की नॉर्मल वैल्यू देख ली है, CSF की, जो CBP है उसकी, पोटेशियम की, सोडियम की, एंड यहाँ पे आपको pH ऑफ ब्लड, GFR है, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे आपको ऐसे ही पता चल गई जो हर एक एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल जो वैल्यू है, वॉल्यूम है CSF का कितना होगा, 125 से 150 ml तक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसकी कमी होगी, होगा एसिटाइल कोलिन और ACH, क्या है, एसिटाइल कोलिन। सीरोटोनिन डिस्टर्ब होगा किसमें, डिप्रेशन में, डोपामाइन होता है पार्किंसंस वाले में,
नेक्स्ट वन, इन पैराप्लेजिया पैरालिसिस इन्वॉल्व, पैरा मतलब होता है चार, याद रखें पैरा मीन्स फोर, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस, तो यहाँ पर कौन सी एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होगी, ऑल फोर, ओनली लोअर, ऑन वन साइड ऑफ, या फिर ओनली अपर एक्सट्रीमिटीज़, कौन सी एक्सट्रीमिटीज़ है जो डिस्टर्ब होंगी, पैराप्लेजिया सॉरी क्वाड्रीप्लेजिया में होंगी चारों, कौन सी क्वाड्रीप्लेजिया में होंगी चारों, पैरा में होंगी ओनली लोअर, कौन सी लोअर, हेमी में होंगी अपर, मोनोप्लेजिया में होंगे वन साइड ऑफ द बॉडी, और क्वाड्रीप्लेजिया होगी तो चारों, तो यहाँ पे पैराप्लेजिया पूछा है तो क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट वन, इन द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट विथ ग्लिनवेयर सिंड्रोम द नर्स गिव्स प्रायोरिटी टू, तो GBS वाला मरीज है, ग्लिनवेयर सिंड्रोम को आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, GBS वाला मरीज है तो आप उसमें क्या प्रायोरिटी चेक करेंगे, पेन, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, मोटार फंक्शन या रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्या चीज़ आप चेक करेंगे ग्लिनवेयर सिंड्रोम वाले पर्सन में, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्या होगी रेस्पिरेटरी स्टेटस यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रायोरिटी पूछा गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आपको प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन में ऑप्शन में रेस्पिरेटरी या फिर एयरवे रहे तो आप उसको सबसे पहले उसी को मार्क कीजिए, क्योंकि जब सांसें रहेंगी तभी तो आप और चीज़ों को चेक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, तो यहाँ पर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन, लारगैक्टिल, फेनिटोइन या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड, तो यहाँ पर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग यहाँ पे एक ही वो है फेनिटोइन, क्या है फेनिटोइन। नेक्स्ट वन, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुला इज टर्म्ड एज, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुला है ही नहीं, कुछ है ही नहीं लेकिन उसको फील करना क्या है, डेल्यूजन, एल्यूजन फोबिया या फिर हेल्यूसिनेशन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेल्यूसिनेशन। वन टेबल स्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी एम एल, यहाँ पे देखिए वन टेबल स्पून कितने एम एल के बराबर होगी, 5, 10, 15 या फिर 30, तो वन टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। नेक्स्ट वन, फिजिशियन प्रिस्क्राइब 1500 ml रिंगर लैक्टेट टू बी इन्फ्यूज इन 12 hours, 1 ml इक्वल टू 15 drops, द ड्रॉप रेट, यहाँ पे आपको ड्रॉप रेट निकाल ली है कि जो 1500 ml RL दिया गया है 12 घंटे के हिसाब से यहाँ पे इन्फ्यूज़ करने के लिए कितना है, जो आप ड्रॉप रेट क्या होगा, 20 ड्रॉप रेट परमिनेट, 250 ड्रॉप रेट परमिनेट या फिर 31 ड्रॉप रेट परमिनेट या फिर 35 ड्रॉप परमिनेट, 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी, कितनी, 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी, और 1500 ml को 12 घंटे में आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है तो आप कैलकुलेट करके निकालिए तो आपका आएगा 31 ड्रॉप, कितना 31 ड्रॉप। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से आपको ड्रग मेडिसिन दी गई है, फेनिटोइन दिया गया है 0.2 mg फेनिटोइन प्रिस्क्राइब की गई ओरली दिन में 2 बार, तो यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल एज 100 mg कैप्सूल है, तो यहाँ पर आप इसको एज अ डोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल या फिर 4 कैप्सूल, कितने कैप्सूल देंगे आप, यदि यहाँ पे जो डोज दिया गया है कितना है वो है 0.2 ग्राम, ओरली देना है दिन में 2 बार, ग्राम में यहाँ पे बताया गया है और अवेलेबल है 100 mg की टैबलेट, तो यहाँ पर आप कैसे उसको देंगे, किस तरीके से देंगे, तो होगा आपका 2 कैप्सूल, कितना 2 कैप्सूल। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग CPR ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट वाइल परफॉर्मिंग द चेस्ट कंप्रेशन द स्टर्नम विल बी डिप्रेस्ड, यहाँ पे जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो कितना डेप्थ पे है जो चेस्ट कंप्रेशन जाएंगे, 1/2 to 3.4 inch, 3/4 to 1 inch, 1 and 1.5 to 2 inch या फिर 2 to 2.5 inch, कितना देंगे, तो यहाँ पर जो कंप्रेशन होता है 1.5 से 2 inch तक का, कितना 1 and 1.5 to 2 inch तक जो CPR में चेस्ट कंप्रेशन होगा, जो आप कंप्रेस करेंगे वो कितने गहराई तक जाना चाहिए, 1.5 से 2 inch तक। नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रेस्क्यूअर यूज जा थ्रस्ट मेथड टू ओपन एयरवे, ये भी अभी आया हुआ था कि जा थ्रस्ट जो मेथड अपनाते हैं एयरवे ओपन करने में तो किस कंडीशन में अपनाएंगे, ऑल सिचुएशन रिक्वायरिंग CPR,
क्लाइंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी या फिर नेक इंजरी ऑफ नेक सस्पेक्टेड, तो किस केस में आप है जो जा थ्रस्ट मेथड अपनाएंगे, तो वो होगी यहाँ पर नेक इंजरी में, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है, इसीलिए जा थ्रस्ट मेथड अपनाई जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा इज रिलीवेंट फॉर अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा वाले मरीज में है जो क्या एक डेटा होगा जिससे पता चलेगा कि यस मरीज को इस रीजन से ग्लूकोमा हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक साइनसाइटिस या फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ग्लूकोमा में है जो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा क्यों हो सकता है यदि मरीज की हिस्ट्री रही हो डीएम की। तो नेक्स्ट वन, अ नर्स मॉनिटरिंग द इंट्राकोस्टल रेनस सिस्टम ऑफ अ पेशेंट विथ न्यूमोथोरिक्स नोट्स इंटरमिटेंट बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टू, तो यहाँ पर जो न्यूमोथोरिक्स में इंट्राकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के यदि मॉनिटर किया जा रहा है तो बबल साउंड आ रहे हैं सील चैम्बर से, तो आप क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, एयरवे को चेक करेंगे, लीक जो हो रही है वो ड्रेनेज को क्लैम्प करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशन, क्या है, डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आपको अब एक दिया गया है, वैल्यू दी गई है, अब आपको निकालना है कि यह सही है या गलत है। एबीजी की जो रिपोर्ट है उसमें पीएच वैल्यू है 7.32, पीसीओ2 है 52 एमएम ऑफ एचजी, पीओ2 85 एमएम ऑफ एचजी, एससीओ3 है 27 एमईक्यू पर लीटर। तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्या है। एबीजी रिपोर्ट में जो आपका ब्लड पीएच दिया है, पीसीओ2 वैल्यू है, पीओ2 है, एससीओ3 है, तो ये क्या है मरीज के लिए, जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, व्हाइल मॉनिटरिंग चाइल्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी द नर्स ऑब्जर्व हिम स्वालोइंग फ्रिक्वेंटली, दिस इंडिकेट दिस द चाइल्ड इज, तो यहाँ पर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद मरीज को आप यदि बच्चे की टॉन्सिलेक्टोमी की गई है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके लिए, स्वालोइंग के लिए, तो यहाँ पे आप क्यों ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि ब्लीडिंग के लिए, क्या है, ब्लीडिंग यदि होती है इनकेस, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं, ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ निकलने जैसा कर रहा है, स्वालोइंग कर रहा है। नेक्स्ट वन, नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी वैल्यू ऑफ अ पेशेंट शेड्यूल फॉर सर्जरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड अनफेवरेबल, यदि किसी मरीज की सर्जरी होनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है तो इनमें से कौन सी होगी जो अनफेवरेबल है, मतलब ऐसे केस में आप सर्जरी को टाल सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 84 mg 70 से है जो ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, HB 8 ग्राम परसेंट, सीरम क्रिएटिनिन 0.7 mg पर डीएल, ब्लड यूरिया 28 mg पर डीएल, कौन सी वैल्यू है जो सर्जरी के लिए सही नहीं है, और वो है ब्लड, क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सर्जरी में ब्लड लॉस होना जो कॉमन कंडीशन कह सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, HB लेवल फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लास्कोकोमा स्केल GCS कॉन्सियसनेस लेवल चेक करने के लिए की जाती है, तो इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर स्केल मेजर्स द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ये सही है, सेंसरी रिस्पॉन्स आर इजीली असेस्ड, मैक्सिमम स्कोर 15, स्कोर लेस देन 8 इंडिकेट द कोमा, तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, इनकरेक्ट है। तो यदि यहाँ पर बात करें हम ग्लास्को कोमा स्केल की, तो 15 मैक्सिमम स्कोरिंग होती है इसकी, क्या है, 15 मैक्सिमम स्कोरिंग होगी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए स्केल चेक की जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस GCS स्केल में, क्या है, GCS स्केल में आपको बताना है कि कितनी वैल्यू है जो, क्या है, कितनी वैल्यू है जो बताएगी मरीज की कि इनकरेक्ट है, और यदि 8 से, क्या है, 8 और 8 से कम जाता है तो ये कॉमाटोज के लिए भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, आंसर आपका क्या होगा, सेंसरी रिस्पॉन्स, इसमें आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स चेक किए जाते हैं, ना कि
सेंसरी रिस्पॉन्स. क्लियर. नेक्स्ट वन, द साइट सिलेक्टेड बाय नर्स हु एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू अ 6 months इन्फेंट. 6 महीने के इन्फेंट में आप IM इंजेक्शन कहाँ देंगे? वास्ट्रस लेटरलिस में, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल या डेल्टॉइड में, कहाँ पे देंगे 6 महीने के बच्चे में? तो प्रेफर्ड साइट होती है IM इंजेक्शन के लिए, वो होगी वास्ट्रस लेटरलिस. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रन इंगेज इन पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले में कौन से ग्रुप के बच्चे आएंगे? इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर या फिर स्कूलर? तो पैरेलल प्ले में आएंगे टोडलर, जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच में होगी. कितनी? 1, 2, 3. प्री स्कूलर होते हैं 3 to 6 के, स्कूलर होते हैं 6 to 12. इन्फेंट लेस देन 1 साल तक के बच्चे. नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कर्निंग साइन कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. तो कर्निंग साइन एक ही केस में पॉजिटिव होता है, वो था मेनिनजाइटिस. क्या है? मेनिनजाइटिस. अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर एर्थ्रोपोइटिन प्रोडक्शन. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट क्या है एर्थ्रोपोइटिन प्रोडक्शन के लिए? एनीमिया, प्रोटीनूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया फिर हाइपोक्सिया. एरिथ्रोपोइटिन किसके लिए ज़रूरी है? ये है एरिथ्रोसाइट्स, RBC. अब यहाँ पर RBC का लेना देना किससे होगा? एनीमिया से. नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट अकर ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस. तो हीमोडायलिसिस के टाइम पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? मसल क्रैम्प, हाइपोटेंशन, एयर एम्बुलिज्म या फिर पल्मोनरी एम्बुलिज्म. मेजर की बात की जा रही तो वो है लो BP. क्या है? लो BP होने के चांसेस हो सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना. हजारों बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं हम. क्वेश्चन है आपका, लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन. लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन. तो आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो. कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं. और जो भी लोग MPCHO या फिर अदर स्टेट CHO के लिए टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है. आपको मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेस करना होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. बाय बाय, टेक केयर.